कांग्रेस नेता आया कहीं का, जब है ही नहीं तो है ही नहीं। चोर टोटी चोर है, टोटी चोर देख लिया उसका भी हमने। कोई तो अखिलेश वाला है नहीं, मायावती नहीं है आज, कोई नहीं है। अरे योगी और मोदी ये दोनों रहे ना भारत में तो सुधार होएगा, नहीं तो सुधार नहीं होगा कतई भी। योगी की आवेगी, मोदी और योगी की आवेगी, और ना आवे किसी की भी। योगी की भी आनी और मोदी की भी आनी, पेट बढ़िया भर रखे हैं। और भैया हर महीने 2 महीने का राशन दे रहा है फ्री का, और क्या चाहिए आदमी को। मतलब यूपी में केजरीवाल को सीएम बना दो, आप ही मजा गलती से। भैया सरकार तो मोदी की रहनी नहीं चाहिए, वैसे रहनी नहीं चाहिए, किसकी आनी चाहिए, दिल की बात क्या, मायावती की। तो वाले नहीं तो नहीं जाओगे सरकार, हमारे तो वैक्सीन लग चुकी है। तो वैक्सीन लग गई, अमर हो गई जी, राजेश जी है ना। हाँ जी, अमर हो गई जी, वैक्सीन लग चुकी है। बड़ी गली इतनी बड़ी, हल्के में थोड़ी है वो भी। 56 का छीना ले रहा है वो बंदा, बिल्कुल काफी है। 100 में अकेला ही काफी है। हाँ और क्या, बढ़िया। देखो मैं स्वस्थ हूँ, बढ़िया हूँ, मजबूत हूँ। कोरोना को गिरा दोगे तो दो घूसे में गिरा दोगे? कोरोना को दो घूसे में तो मुझे पता नहीं, मुझे सामने देखा नहीं तो घूसे में क्या गिराऊंगा। क्या मान रहे दादा, सही मान रहे? बच्चे दो ही अच्छे, दो ही अच्छे ना, दो नहीं एक ही अच्छा। अरे तेरी, बच्चे दो नहीं एक ही अच्छा। तो गुंडाराज कम हुआ है? गुंडाराज तो बिल्कुल खत्म कर दिया योगी जी ने, कर दिया खत्म कर दिया। अच्छा आप तो शरीफ हो, आप तो नहीं गुंडा? नहीं, हम तो शरीफ आदमी है। गुंडा ऐसे मैंने सुना है कि गुंडा ठोके जा रहे हैं। वो तो ठोक दिया योगी जी ने, जो करना था कर दिया, अपना काम। किसकी होगी सरकार? योगी जी आएंगे दोबारा फिर से, भरोसा है? बिल्कुल है जी, फूल प्यार की निशानी है। अगर योगी की सरकार नहीं होती या मोदी की नहीं होती, योगी ने बचा लिया। बिल्कुल, मोदी ने बचाया और किसने बचाया, बहुत बढ़िया बात की है भाई। मैं खुद कार सेवक हूँ, लेकिन मुलायम सिंह ने तो गोली चलवाई थी कार सेवकों पे। अरे मुलायम सिंह ने चलवाई, मुलायम को तो वोट भी नहीं है कतई भी। यहाँ नमस्कार, मैं हूँ केशव मालान और आज हम मौजूद हैं मेरठ शहर के अंदर। ये बस स्टैंड है, आप पीछे देख सकते हैं, बस स्टैंड है और यहाँ लोग अपने कोई बसों का इंतजार कर रहे हैं, कोई अपने दुकानदारी में लगा हुआ है तो कोई अपनी दवाई लेने में लगा हुआ है। कैसे देखते हैं, क्या समस्या चल रही है, क्या काम करते हैं? हम जो है एक बिजनेस करते हैं छोटा सा, मजदूर हैं हम एक टाइप के। हम चाहते हैं कि योगी जी से, अपने मुख्यमंत्री से, कि ये शनिवार इतवार का लॉकडाउन जरा या तो एक दिन का कर ले, मंगलवार की छुट्टी कर ले, शनिवार इतवार खत्म कर दे, एक दिन मंगलवार की छुट्टी कर ले, जिससे कि हम घर पर भी आराम कर सके मंगलवार को। स्वास्थ्य मंत्रालय कह रहा है कि तीसरी लहर आ सकती है कोरोना, तीसरी लहर 8 नवंबर में आएगी। जब तक तो ये इस चीज को छूट दे दें। अच्छा हाँ, तीसरी लहर जब तक आएगी, जब तक उससे पहले हम लोग पब्लिक मर लेगी। अच्छा, सरकार कहती है कि भाई आपकी जिम्मेदारी, आप मरो गिरो उठो कुछ भी करो, तो फिर स्वीकार है आपको? भैया स्वीकार करना पड़ेगा, जब क्या करें, फिर दवा लेने तो नहीं जाओगे सरकार? हमारे तो वैक्सीन लग चुकी है। वैक्सीन लग गई, अमर हो गई जी, राजेश जी है ना। हाँ जी, अमर हो गई जी, वैक्सीन लग चुकी है और सरकार वैक्सीन दे रही है तो लगवाओ, क्योंकि सबका फर्ज है पूरे। कुछ लोग तो कह रहे हैं ये तो बीजेपी की वैक्सीन है। ना ना, ये तो पूरे भारतवर्ष के लिए सबके, एक जगह कोई भी लगवाओ वैक्सीन, तो फ्री की वैक्सीन हो रही है, सब लगवाओ वैक्सीन जाके। मतलब एंटीबॉडीज बन रही हैं। हाँ और क्या, बढ़िया। देखो मैं स्वस्थ हूँ, बढ़िया हूँ, मजबूत हूँ। कोरोना को गिरा दोगे तो दो घूसे में गिरा दोगे? कोरोना को दो घूसे में तो मुझे पता नहीं, मुझे सामने देखा नहीं तो घूसे में क्या गिराऊंगा। सामने आने में उसको डर लग रहा है? सामने जिस चीज को नहीं देखा, उस चीज का भगवान को मैंने सामने नहीं देखा। चलो और क्या मानते हैं, देखिए आपने एक समस्या बताई कोरोना एक लॉकडाउन को लेकर के। चोरी डकैती हो रही है, नहीं हो रही है? चोरी डकैती तो अपने चलते रहेगी, वो तो चल रही है शुरू से ही। तो गुंडाराज कम हुआ है? गुंडाराज तो बिल्कुल खत्म कर दिया योगी जी ने, कर दिया खत्म कर दिया। अच्छा आप तो शरीफ हो, आप तो नहीं गुंडा? नहीं, हम तो शरीफ आदमी है। गुंडा ऐसे मैंने सुना है कि गुंडा ठोके जा रहे हैं। वो तो ठोक दिया योगी जी ने, जो करना था कर दिया, अपना काम। लोगों की सोच अपनी अपनी सोच है, मैं तो अच्छी सोच मानता हूँ योगी जी की, कि उन्होंने जो काम करे हैं बहुत अच्छे करे हैं। जनसंख्या नियंत्रण अच्छी बात है, है? जनसंख्या नीति जो लाई है ये तो अभी 70 साल पहले आने चाहिए थी, आज अब बहुत लेट कर दी गवर्नमेंट ने। 70 साल पहले तो कांग्रेस की सरकार थी, अब क्या करें, वो कांग्रेस क्यों लाना चाहिए था ये तो। हाँ। अभी बीजेपी ला रही है तो अपना अच्छा काम करेगी वो भी। देखिए एक समस्या है ना, जब इंदिरा गांधी नसबंदी करती है, यानी कि जनसंख्या कम करने के लिए नसबंदी करती थी। नसबंदी नहीं, नहीं, नहीं। जनसंख्या कम करने का ही तरीका था। हाँ। नसबंदी। हाँ। तो उसको कहा जाता है आयरन लेडी, लेकिन जब इसी काम को अगर योगी सरकार करती है तो उसे तानाशाह क्यों कहा जाता है? नहीं, तानाशाह तो नहीं कहना चाहिए, ये तो कानून आना चाहिए। देश की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही, जमीन है नहीं। हाँ। कहाँ से खाएगा जो आने वाली जनसंख्या, वो कहाँ से खाएगी, जमीन तो यहीं खत्म होती जा रही है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं ये तो अल्लाह की देन है, जनसंख्या पैदा कर देंगे फिर उन्हें खाने को क्या देंगे, बताओ भूखी मरेगी नहीं मरेगी अपने आप? अल्लाह की देन है तो अल्लाह की देन है। मतलब अल्लाह कह के गया था 200 करोड़ कर दियो, बताओ मुझे अल्लाह कह के गया था 200 करोड़ कर देना। मुझे कह रहे हमें सरकारी सुविधाओं की कोई जरूरत नहीं है, चाहे सब बंद हो जाए। कोई देखो योगी के आने से बहुत कुछ कंट्रोल हुआ है, बहुत कुछ। उन्हें सरकारी सुविधा चाहिए ही ना, उन्हें मतलब ही ना सरकारी सुविधा से, मतलब ही ना उन्हें। किसकी होगी सरकार? योगी जी आएंगे दोबारा फिर से, भरोसा है? बिल्कुल है जी, भरोसा है।
बिल्कुल 100% आएंगे बिना। अखिलेश भैया पे क्यों नहीं है? अखिलेश भैया पे क्यों नहीं? अगर अखिलेश भैया ने बहुत अच्छे काम किए होते आज तो उन वो भी द्वार आते अच्छी कर... हाथ पे है, साइकिल पे कुछ भी नहीं है। हाथ पे? ये तो फिर कमल पे, फूल पे, फूल फूल प्यार की निशानी है। तो प्रियंका गांधी भी तो नया है, हाथ चेहरा है। अरे है, उल्टे सीधे जगह हाथ रखेगी तो उल्टा उल्टा काम होएगा। ओ जब हाथ तीर से चलेगा ना उल्टे काम होएंगे सारे के सारे। सही बंदा एक ही है, योगी और मोदी। बात करता हूँ सबसे बढ़िया होने दो, तकलीफ तो होगी, नेचुरल सी बात है। क्यों हो रही है? लॉकडाउन लग रहा है। हाँ। अपने फायदे के लिए सब, बाकी सब जगह लोग लॉकडाउन नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? योगी नहीं है। यानी कि देखो लोगों की सुरक्षा कितनी ज़्यादा हो रही है। हाँ। ये देखो मानने की बात है, दिल्ली के अंदर कितने आदमी मर रहे हैं। हाँ। बहुत ज़्यादा मरे थे दिल्ली। तो केजरीवाल कह रहे हैं कि जैसे हमने दिल्ली में सब कुछ फ्री दिया ऐसे यूपी में देंगे। क्या देंगे? क्या देंगे? किसको? केजरीवाल को। ऐसा तो नहीं हो सकता। मतलब यूपी में केजरीवाल को सीएम बना दो। हाँ। आप मजा, आप ही मजा ही गलती से। अरे भाई ऐसा क्या खतरा हो गया? खतरा उस आदमी से, खतरा उसी आदमी से खतरा, और खतरा किसी ने नहीं है। नहीं आकर उन्हें ये बताओ क्या अच्छा करा है, ये तो बताओ दिल्ली के लिए। कह रहे हैं मैंने शिक्षा व्यवस्था इतनी अच्छी कर दी, मजबूत कर दी, बिजली पानी सब फ्री दे रहा हूँ दिल्ली में। क्यों, कौन कह रहा है? ऐसा तो, ऐसा तो कुछ नहीं, हमने तो कुछ नहीं सुना ऐसा। जी 200 यूनिट फ्री करी है, 200 यूनिट में किसी का एसी नहीं चलता घर में। जो झोपड़े बैठे हैं ना उनका वो ही रह सकते हैं बस। विकास तो अखिलेश ने भी किया, लैपटॉप बांटे थे। किसने? अखिलेश यादव ने। तो लैपटॉप बने, सारे काम हो गए। अपने फायदे के लिए बांटे थे। वो चाहता है फिर दोबारा मैं सीएम बनूं यूपी का, पर आपके नहीं हो पाया। ऐसा नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। जयंत चौधरी के साथ हाथ मिला रहे हैं? मिलान दो, चाहे किसी के साथ में मिला रहे हो, जयंत चौधरी का साथ तो देना पड़ेगा यार। तुम वो सोचो, मानने की बात है, हम तो चाहते हैं दोबारा भी जेब बीजेपी की सरकार आनी चाहिए। मेरा अजय कुमार, क्या लगता है किसकी होगी सरकार यूपी में? सरकार तो यूपी में योगी की आनी है भैया। ऐसी क्या बात हो गई, यूपी की क्यों हो गई ये तो बताओ। यूपी की सरकार में भैया, योगी की सरकार में सब चीज अच्छी तो हो रही है। हाँ। अगर अच्छी ना होती तो लोग बाग रोड पे जलने लगते भाई, इतने चिताएं जल जाती रोड पे। अगर योगी की सरकार नहीं होती या मोदी की नहीं होती। योगी ने बचा लिया, बिल्कुल मोदी ने बचाया, और किसने बचाया? बहुत बढ़िया बात की है भाई। अगर कोई और सरकार होती ना तो ये देख ले तो तुम मातम छा जाता। भैया लूटपाट रोड पर हो रही थी, लेकिन बाइक लेके कोई निकल नहीं पा रहा था। लेकिन आज की डेट में ना कहीं बाइक लेके चले जाओ कोई साला चू नहीं कर सकता। फिर से ट्रैक्टर तैयार है, ट्रैक्टर तैयार है तो कोई बात ना, क्या हो गया तो और भी ट्रैक्टर तैयार हो जाएंगे, क्या दिक्कत है, कर लें दो। अगला तो तैयार है, मोदी तैयार है, बिल्कुल तैयार है। उन्हें छोटी से बड़ी कर ली, इतनी बड़ी हल्के में थोड़ी है। वो भी 56 का छीना ले रहा है वो बंदा। बिल्कुल काफी है, 100 में अकेला ही काफी है। कुछ और ही तैयारी कर रखी हो, मतलब ही नहीं बन सकता। वो जो जनता की उम्मीद है ना वो नहीं टूटने देगा शायद जब तक रहेगा, और जाने के बाद तो कुछ कह नहीं सकते। देखो सरकार है वो तो कहते हैं ना, ये एक तरीके का राजनीति है, राजनीति में कुछ हो सकता है, कुछ को मालूम नहीं है। अगर सपा के कार्यकर्ता आगरा के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, गदर का सनसनी देवल पैदा हो जाएगा गदर वहाँ पे, यही हालत रही तो। ये पब्लिक को गुमराह करते हैं। फिल्म अभिनेता नसीरुद्दीन सहारे भी कहा था अगर मोदी आए तो मैं देश छोड़ दूंगा। छोड़ा क्या? नहीं छोड़ा। हाँ तो बस, तो यही है पब्लिक को गुमराह करने वाली बात हो। कैसे देखते हैं आप योगी के कार्यकाल को, कैसा देखते हैं? देखो किसी को भी 100% मार्क्स नहीं दिए जाते। कितना देंगे आप, 10 में से कितना देंगे? 10 में से 5 तो दिए ही जाते। कितने देंगे आप? बेजबल 10 में 7 देंगे हम। 7 देंगे 10 में से? क्यों? दस में से कितना नंबर देंगे? दस में से 8 ही नंबर दिए जाएंगे। 8 क्या, केवल 9 ही दिए। कितना देंगे? 10 से 10। 10 में 10? अरे भाई ऐसा क्या किया 10 में 10? पूरा नंबर दे दिया उन्होंने। सही धरा है, तुझ भी धरा है। हां अभी तक सही धर रहे हैं वो। क्यों 10 में से कितना नंबर देंगे योगी सरकार? हम तो 100 में से 100 ही देंगे, पूरा 100% देंगे, बिल्कुल। लगता है तुम्हें दादा, क्या लगता है योगी सरकार के कामकाज से कितना सुनते हो? अरे योगी और मोदी ये दोनों रहे ना भारत में तो सुधार होएगा, नहीं तो सुधार नहीं होगा कतई भी। योगी और मोदी दोनों इतने सुपरस्टार हैं, कोई नहीं है उनके जैसा। सुपरस्टार हैं, सुपरस्टार रहेंगे, उनके अलावा ना कोई कुछ नहीं करेंगे। 370 धारा खत्म करी, 370 धारा खत्म करी, और इन्होंने जो है कई काम ऐसे कर दिए। राम मंदिर बन रहा है, और राम मंदिर तो हमारा बन ही रहा। सियावर रामचंद्र की जय। राम मंदिर बन रहा है, राम मंदिर बनेगा। लोग तो कह रहे हैं घोटाला हो रहा है उसमें। अरे घोटाला नहीं है, बनेगा। घोटाला नहीं है, मैं खुद कार सेवक हूँ।
लेकिन मुलायम सिंह ने तो गोली चलवाई थी कार्यकर्ताओं पे। अरे मुलायम सिंह ने चलवाई, मुलायम को तो वोट भी नहीं है कतई भी। यहाँ योगी सरकार का बहुत सहयोग है, हर चीज का सहयोग है। वहाँ पे हर द्वार में कह दे के अब कवर जाएगी, वहाँ हर द्वार उसने सरकार ने कह दी नहीं हमारी तरफ से ना है, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, नहीं तो उनकी माँ से तो हाँ थी, थी नहीं हाँ, तो इससे बड़े सहयोग क्या मिल सकता है, मिल जाएगा इससे बड़े सहयोग। योगी सरकार पे 2022 में बिल्कुल योगी की नाराज खत्म हुआ है, बिल्कुल हुआ है हर चीज का, आम आदमी का हर चीज का, हर चीज अच्छा बिल्कुल जैसे कहते हैं काम, हर चीज काम हुआ है। क्या मान रहे दादा? सही मान रहे, बच्चे दो ही अच्छे, दो ही अच्छे ना, दोनों एक ही अच्छा, बच्चे दोनों एक ही अच्छा। वो तो कह रहे हैं अल्लाह की देन है, तो कितने भी आने, तो ये अल्लाह की देन क्या है, भगवान की देन क्या है भाई, आजकल के हिसाब से देखा जाए तो बच्चा एक ही अच्छा। भैया क्या नाम है? क्या लगता है किसकी होगी सरकार 2022 में? पता नहीं जी भैया, इसे तो वैसे कम दिखाई देवे। भैया मोदी की सरकार ही आवेगी। अरे सर मोदी योगी की आवेगी? हाँ मोदी और योगी की आवेगी, और ना वे किसी की भी, योगी की भी आनी और मोदी की भी आनी। पेट बढ़िया भर रखे हैं, और भैया हर महीने 2 महीने का राशन दे रहा है फ्री का, और क्या चाहिए आदमी को। वाह वाह, तो बढ़िया काम हो रहा है, जिसे अपने अस्थि मरवानी हो मरवा लो, बात खत्म, बिल्कुल बेफिक्र हो, टन भाई 14 की खराब है कि आ जाएगा, बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी। दो ही जगह से आदमी क्लेश रहा, बाकी ना क्लेश रहा कहीं से। कौन है, कौन का परेशान है? पूरी बात मत, परेशान ना 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 ना। अरे परेशान कौन है ये बताओ, क्यों दादा परेशान कौन है? योगी सरकार से परेशान कौन है? परेशान तो भैया जनता है, सगले जनता खुश भी है और परेशान भी है, हम तो खुश हैं भैया। परेशान कौन है ये बताओ? हां पब्लिक है। कौन सी पब्लिक है? आप पब्लिक है क्यों भैया? क्या नाम है? क्या नाम है? सुनील नाम है। क्या लगता है आपको किसकी होगी सरकार 2022 की? भैया सरकार तो मोदी की रहनी नहीं चाहिए। वैसे रहनी नहीं चाहिए, किसकी आनी चाहिए? दिल की बात क्या? मायावती की। तो ये कह रहे हैं अभी पत्थरों के हाथी बनवा के डाल दिया, अपनी जीते जी अपनी मूर्ति बनवा दी, इतना लाख करोड़ रुपए का। मायावती की सरकार आनी चाहिए, मायावती ने बहुत कुछ करा गरीब लोगों के लिए, इनने क्या करा बताओ? लेकिन दलितों के नेता तो चंद्रशेखर राव उभर के आए। नहीं मायावती की आनी चाहिए सरकार तो, क्योंकि इसने तो लोग बागों के हिले बंद कर दिए मोदी ने तो। मतलब कोरोना मोदी जी लाए? अरे सर जी कोरोना चाइना से आया, मोदी नहीं लेके आए, उनके उनके घर में थोड़ी बन रहा है कोरोना। मोदी बेकार आदमी है। मायावती बहन जी जिंदाबाद। मायावती बहन जी जिंदाबाद। सरकार मिली जुली बनेगी। लग रहा है कहीं और चल रहा है निशाना आपका। हाँ जी निशाना कहीं और से। मिली जुली बनेगी। कौन कौन बनेगी? गवर्नमेंट तो बीजेपी की आनी है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अच्छा वर्क किया है कोरोना में भी और वैसे भी। जॉब सिक्योर हुई है यूपी के अंदर, अभी मैं देखो जो था उसके अंदर ना गवर्नमेंट ने बहुत सपोर्ट किया है। अब मेरे ऑफिस के अंदर की बात बताऊं तो 45 लड़कों की जॉब जा रही थी, जिसमें से कि एक की भी नहीं गई, सबको कंपनी ने रिटेन किया। तो इस वजह से मुझे योगी ने अच्छा काम किया, योगी ने अच्छा काम किया। और दूसरा सबसे बड़ा जो फैक्टर लगता है मुझे उसका, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छा कर रहा है। जैसे कि आप देखोगे प्रतापपुर पर भी हाईवे बना है, मेट्रो का वर्किंग चल रही है, रोड का जाल बिछाया है। हाँ तो ये बहुत विकास किया है। विकास किया है, गुंडाराज खत्म हुआ है। हाँ गुंडाराज खत्म हुआ है। पहले जैसे कि हम रिटेल सेक्टर से हैं, तो ऑफिस के पास में क्या था कि हमारा रिलायंस ट्रेंड्स स्टोर है, उसके अंदर क्या होता था कि लड़के आ गए धमकी दे रहे हैं। जब से गवर्नमेंट आई है उसके बाद से खत्म हो गया, कोई नहीं मिला, कोई नहीं आता। अब दिखाई नहीं दे रहे बदमाश? नहीं हमें तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, अब तो फूंक दिए तरीके से इसमें। हाँ डर है, डर है, बहुत अच्छा है। रोज आए दोबारा आएगी। चाचा आप तो ये था, आपके तो जो चाय बेचने वाले थे वो तो प्रधानमंत्री बन के देश के लिए काम कर रहे हैं, आप क्या काम किया? जो मेहनत कर रहा प्रधानमंत्री वो बनेगा, जो देश के लिए मेहनत कर रहा प्रधानमंत्री वो बनेगा। ये आप सीएम किसको बनाओगे, मुख्यमंत्री किसे बनाओगे? योगी बनेगा, योगी बनेगा। अखिलेश वाला कोई नहीं है? अखिलेश भैया वाला नहीं है? नहीं है, कोई नहीं होगा अखिलेश के लिए। देख अखिलेश भैया वाला कोई है यहाँ पे? नहीं है अखिलेश भैया वाला, गोविंदपुर में बैठे हैं। अखिलेश नेता आया कहीं का? जब है ही नहीं तो है ही नहीं। चोर टोटी चोर है, टोटी चोर देख लिया उसका भी हमने। कोई तो अखिलेश वाला है नहीं, मायावती नहीं है, कोई नहीं है।